हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर यूएई के नक्शे में पीओके को भारत में शामिल करने से पाकिस्तान हुआ नाराज, दे दिया बयान। जी हां दोस्तों, बताएंगे पाकिस्तान की तरफ से इस मुद्दे पर बड़ा जवाब आया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा, गजवाए हिंद की तैयारी, सऊदी प्रिंस नहीं आए तो उस पर बौखलाए पाकिस्तानी देने लगे ऐसे ऐसे जहरीले बयान। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान की नापाक हरकत हुई नाकाम, एलओसी पर पैट की कोशिश कर रहे तीन आतंकवादियों को आखिरकार भारतीय सेना ने मार ही गिराया। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लीडर है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां यूएई के नक्शे में पीओके को भारत में शामिल करने से पाकिस्तान हुआ नाराज, कह दी इतनी बड़ी बात। दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात के एक मंत्री के तरफ से भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर वीडियो क्लिप साझा करने से नाराज है, जिसमें पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में दिखाने वाला एक नक्शा दिखाया गया है। मैप में यानी नक्शे में गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर शामिल है, जिस पर पाकिस्तान का प्रशासनिक नियंत्रण है। आपको बता दें कि पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री और उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नहयान के तरफ से जारी किए गए मैप के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैप में पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाने वाला कोई मैप कानूनी तौर पर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में कहा है कि इस परियोजना के अमल में आने के बाद हम टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे। हमारा मानना है कि विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर फैसले अन्य देशों के तार्थ सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए केस टू केस आधार पर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है, जिसका अंतिम निपटारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये तो रही जहरा बलूच की बात, लेकिन वहीं आपको बता दे सऊदी प्रिंस नहीं आए, पाकिस्तान तो बौखलाए पाकिस्तान कहने लगे भारत एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा, गजवाए हिंद की तैयारी। जी हाँ आपको बता दें, भारत में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर पाकिस्तान सदमे में है और बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, सपने देख रहा है। पाकिस्तान को इस बात का भी दर्द है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत गए और इस्लामाबाद नहीं आए। यही नहीं, भारत ने यूक्रेन पर दुनिया को सहमत करके बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की। भारत की इस कामयाबी पर कई पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और वे गजवाए हिंद लड़ने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद के साथ बातचीत में एक पाकिस्तानी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इस सना ने भूख से बिलबिला रहे पाकिस्तानियों के हालात बयां करके उसकी बोलती बंद कर दी। पाकिस्तानी नागरिक इकबाल ने साना से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान आजादी के समय भारत से आगे था, भारत की मुद्रा हमसे पीछे थी, हमारे शासक अच्छे नहीं आए इसीलिए हम पीछे हो गए, हमारे पास वो सब कुछ है जो भारत के पास नहीं है, हमारे पास जमीन, पहाड़ और ग्वादर है। साना ने पूछा कि क्या हमने इसका फायदा उठाया। इस पर इकबाल ने कहा कि एक दिन भारत पाकिस्तान का हिस्सा होगा, हमें गजवाए हिंद भी लड़ना है। साना ने कहा कि हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हैं और लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं और आप ऐसी बात कर रहे हो। अब ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी या यूं कह लें कुछ पाकिस्तानी जो आज भी कट्टरपंथी में जी रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि भारत उनका हिस्सा हो जाएगा, जबकि उन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि भारत से ही तुमने अपने देश यानी पाकिस्तान का हिस्सा लिया है और अब तुम भारत को पाकिस्तान में मिलाने की बात कह रहे हो, ये सुनहरे ख्वाब देखने छोड़ दो। ऐसे में दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते आपका जवाब तो इस पर बनता ही है, पाकिस्तानियों का आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। और यूएई ने जिस प्रकार से नक्शा जारी करके दिखा दिया है कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा रहेगा और पाकिस्तानियों को मिर्ची लगवाई है दोस्तों, ऐसे में यूएई के शासकों को थैंक यू जरूर कहिएगा। बहरहाल दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं जहां पर पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम, एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे तीन आतंकी हुए ढेर। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। इस बीच बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास शनिवार 16 सितंबर को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। कश्मीर पुलिस ने बताया कि बारामूला जिले के सीमावर्ती इलाके हथलंगा के उरी क्षेत्र में शनिवार सुबह मुठभेड़ छिड़ गई। पुलिस के मुताबिक आगे भी क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। सेना की चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में बारामूला के उरी क्षेत्र
क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास आज सुबह घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इसमें बताया गया कि 3 आतंकवादियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके बाद मुस्तैद सैनिकों ने उनका मुकाबला किया। सेना के अनुसार मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र में एक पाकिस्तानी चौकी से हो रही गोलीबारी के कारण 3 आतंकवादी का शव बरामद करने में मुश्किलें हो रही हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां 100 और स्वदेशी LCA मार्क 1A विमान खरीदेगा अपना भारत। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कर दी सबसे बड़ी घोषणा। बता दें भारतीय वायुसेना लगातार अपने बेड़े को बढ़ाती जा रही है, साथ ही वो इस बात पर भी जोर दे रही है कि उसके बेड़े में शामिल होने वाले किसी भी तरह के विमान देश में ही बनाए गए हों। इसी क्रम में देश की वायुसेना ने करीब 100 और मेड इन इंडिया LCA मार्क 1A लड़ाकू जेट खरीदने की योजना की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने एक न्यूज एजेंसी से विशेष बातचीत में स्वदेशी विमान खरीदने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जमीनी तौर पर मिग की सीरीज, मिग 21, मिग 23 और मिग 27 सहित अन्य विमानों को बदलने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विमानों को बदलने से पहले जरूरी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में LCA के विमान हो। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां नाइजर सेना ने फ्रांस के राजदूत को बनाया बंधक। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा खाने पीने की हो रही उसको दिक्कत। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने खुलासा किया है कि संघर्षग्रस्त नाइजर राज्य में उनके देश के दूत और उनके कर्मचारी दूतावास में बंधकों की तरह रह रहे हैं। मैक्रोन ने कहा कि दूत सिल्वेन इतने पावरलेस हो चुके हैं। मैक्रोन ने नाइजर में जुंटा आर्मी के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग दूतावास में भोजन की आपूर्ति पर कमी कर रहे हैं, इसकी वजह से वहां पर रहने वाले राजनयिक कर्मचारी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। मैक्रोन ने बरगंडी की यात्रा के दौरान संवाददाताओं से कहा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक राजदूत और राजनयिक कर्मचारी है जिन्हें वास्तव में फ्रांसीसी दूतावास में बंधक बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे लोग खाने पीने में कमी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां कनाडा बनेगा पाकिस्तान। जस्टिन ट्रूडो की खतरनाक नीति खालिस्तानी कैसे बन रहे दुनिया के लिए खतरा। आपको बता दें इतिहास के शांत कोनों में एक डरावनी कहानी मौजूद है कि कैसे खालिस्तान की मांग, जो एक हिंसक अलगाववादी घटना में तब्दील हो गया था, उसके बीज राजनीतिक प्रतिष्ठान के करीबी लोगों द्वारा ही बोए और पोषित किए गए थे। ये शक्ति महत्वाकांक्षा और विश्वासघाती गठबंधन की कहानी है, जिसके कारण राजनीतिक लाभ के लिए करिश्माई उपदेशक से उग्रवादी नेता बने जन नेल सिंह भिंडरांवाले की भर्ती की गई। जैसा कि देश ने देखा, भारत की राजनीतिक दिग्गज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अनजाने में उसी राक्षस को पाला पोसा जो आखिरकार 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दुखद हत्या का कारण बना। दुनिया ऐसे में उस इतिहास को सीखने के लिए भी तैयार नहीं है, उससे सबक सीखने को तैयार नहीं है कि कैसे इसी तरह से चरमपंथियों को पालते पालते पाकिस्तान बदहाल हो गया और अब उसके पास खाने के लिए 2 रोटी तक नहीं है। दुनिया इस बात से भी सबक सीखने को तैयार नहीं है कि चरमपंथियों को पालने की ही नतीजा था जो कभी तालिबान, कभी अलकायदा तो कभी ISIS की शक्ल में इंसानियत का खून बहता रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा सनातन का ना आदि है ना अंत, कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। बता दें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सनातन विवाद विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि सनातन का ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान इस पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, यानी पूरी दुनिया हमारा परिवार है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि जब घर में हमारी माताएं बहनें आटा सानती है और अगर पास से कोई चींटी गुजरती है तो वो उसे आटा का एक छोटा सा हिस्सा दे देती है। बकौल राजनाथ, सनातन धर्म शाश्वत है, दुनिया की कोई भी शक्ति से निष्ठ नहीं कर सकती, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर है। इस दौरान वो अपने संसदीय क्षेत्र का निरीक्षण करने के साथ विकास कार्यों को व परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल क्या आप भी राजनाथ सिंह के इस बात का पूरे तरीके से सहमति दिखाते हैं? दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा भारी मात्रा में। और साथ ही साथ दोस्तों ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाईचारों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत